साइबर फ्रॉड आज के दिन की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जब से लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने लग गए तब से चोरों को चोरी करने का नया रास्ता मिल गया है, यानी कि साइबर फ्रॉड। आपने कई सारे पेटीएम, फोनपे या फिर ओलेक्स वाले फ्रॉड के बारे में सुना होगा। इसमें स्कैमर कई सारे कैशबैक के बहाने लोगों को स्कैम करते हैं। आज हम ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके सामने ये साइबर फ्रॉड कुछ भी नहीं है, और इन स्कैम्स के पीछे कोई हैकर्स के ग्रुप नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा देश है। इस देश ने कुछ हैकर्स को हायर किया है जो बड़े बड़े बैंक्स को लूटते हैं और उस पैसे से अपने देश की इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं। ये देश दूसरा तीसरा कोई नहीं है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया का नाम किसी न किसी वजह से न्यूज़ में छाया रहता है। कभी वो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करता है तो कभी जापान और साउथ कोरिया को हमले की धमकी देता है, और तो कभी अपने देश में हंसना बैन करने की वजह से वो हमेशा न्यूज़ में रहता है। पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े बैंक्स पर साइबर अटैक हुए जिसमें ऐसा पता चला है कि उसमें नॉर्थ कोरिया का हाथ है, जिसमें सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ था बांग्लादेश सेंट्रल बैंक पर। इस अटैक से पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम हिल गई। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ साइबर अटैक्स को देखेंगे जिनमें नॉर्थ कोरिया का हाथ है, और ये भी जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड जो बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के साथ हुआ था, ये कैसे हुआ ये पहले हम देखते हैं। इस साइबर फ्रॉड की प्लानिंग करीब एक साल से चल रही थी। इस फ्रॉड की शुरुआत होती है 2015 में फिलीपींस से। फिलीपींस के आरसीबी से बैंक में चार लोग आते हैं और वो चार अकाउंट ओपन करवाते हैं। हर कोई उसमें $500 जमा करवाता है। स्कैम्स के एक महीने पहले जनवरी में बांग्लादेश बैंक के कर्मचारी के पास एक मेल आता है। जैसे ही कर्मचारी मेल को ओपन करता है, बैंक के सिस्टम में एक वायरस इंस्टॉल हो जाता है। ये वायरस हैकर को बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। हैकर्स ने 4 और 5 फरवरी 2016 का दिन चुना क्योंकि इस दिन में फ्राइडे और सैटरडे था। बांग्लादेश बैंक को इन दो दिन छुट्टी होती है, संडे को बैंक को छुट्टी नहीं होती। बैंक के 9th फ्लोर पर एक मेन प्रिंटर था जो बैंक के हर ट्रांजेक्शन को प्रिंट करता था। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के सारे पैसे न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक में रखे थे। जैसे बांग्लादेश बैंक की छुट्टी शुरू होती है, यानी कि 4 फरवरी को हैकर अपना काम शुरू कर देते हैं। वो पहले मेन प्रिंटर को वायरस की मदद से ख़राब कर देते हैं, फिर वो स्विफ्ट बैंकिंग की मदद से न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक को 35 ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट भेज देते हैं। इसकी टोटल अमाउंट $1 बिलियन यानी कि इंडियन करेंसी में 7,000 करोड़ थी। ये सारी रिक्वेस्ट बांग्लादेश बैंक की तरफ से आई थी, इसलिए फेडरल बैंक इनको नॉर्मल ट्रांजेक्शन समझती है। पर 35 ट्रांजेक्शन में से 30 ट्रांजेक्शन फेडरल बैंक का एक सॉफ्टवेयर होल्ड पर रख देता है, उसे मैनुअल इंस्पेक्शन के लिए भेज देता है। अब कोई बैंक का कर्मचारी उन्हें अप्रूव करेगा तभी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। ये सॉफ्टवेयर इन्हें इसीलिए होल्ड पर रख देता है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियों को जा रहे थे, पर बाकी के 5 ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर अप्रूव कर देता है और ये पैसा बांग्लादेश बैंक से निकलकर फिलीपींस के आरसीबीसी बैंक में पहुंच जाता है और श्रीलंका के पैन एशिया बैंक में पहुंच जाता है। पर यह हैकर से एक गलती हो जाती है। $20 मिलियन की एक ट्रांजेक्शन पैन एशिया बैंक कैंसिल कर देता है क्योंकि इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। होता ऐसा है कि हैकर पैन एशिया बैंक में शेलिका फाउंडेशन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, पर वो शेलिका फाउंडेशन की जगह शेलिका फाउंडेशन लिख देते हैं। इस छोटी सी गलती की वजह से यह ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है और बांग्लादेश बैंक के $20 मिलियन बच जाते हैं। पर फिलीपींस के आरसीबीसी बैंक पर उन चार अकाउंट में $81 मिलियन पहुंच जाते हैं जिसमें साल भर से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। बाद में पैसा कई सारे एटीएम की मदद से निकाला जाता है और किस कसिनो में डाला जाता है। वहाँ कुछ चाइनीज लोग ये पैसा चाइना ले जाते हैं, वहाँ से ये पैसा नॉर्थ कोरिया पहुँच जाता है। जब बांग्लादेश बैंक के कर्मचारी छुट्टी खत्म करके आते हैं तब वो देखते हैं कि मेन प्रिंटर बिगड़ा हुआ है। जब वो उसे ठीक करते हैं तब प्रिंटर धड़ाधड़ प्रिंट करना शुरू कर देता है। बैंक के डायरेक्टर और कर्मचारी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बैंक से $1 बिलियन की ट्रांजेक्शन हो चुकी थी जिसमें से $870 मिलियन बच जाते हैं, पर $81 मिलियन यानी कि ₹600 करोड़ हैकर्स के हाथ लग जाते हैं। कई लोगों को ये रकम कम लग रही होगी, पर बांग्लादेश जैसे लो इनकम कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। इन्वेस्टिगेशन से ऐसा पता चलता है कि हैकर्स नॉर्थ कोरिया के थे और इसमें नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट का भी हाथ है। ऐसा एक अटैक सोनी पिक्चर्स पे भी हुआ था। सोनी पिक्चर्स ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेइज्जती की थी, और इस फिल्म के एंड में किम जोंग उन को मारा भी जाता है। इसका बदला लेने के लिए नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने सोनी पिक्चर्स को हैक कर लिया और कई सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ली। साथ ही साथ उन्होंने सोनी पिक्चर्स की अपकमिंग मूवीज़ को इंटरनेट पर रिलीज कर दिया और कई सारी फिल्म की स्क्रिप्ट को पब्लिक कर दिया, जिसके कारण सोनी पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बांग्लादेश बैंक जैसा साइबर अटैक इंडिया के बैंक पर भी हुआ है। 2008 में पुणे के कॉस्मस बैंक पर साइबर अटैक हुआ था जिसमें हैकर्स ने बैंक से 94 करोड़ रुपीस निकाल लिए। इंडिया के बाहर 12,000 एटीएम से ये पैसे निकाला गया और ये पैसा कहाँ गया ये अब तक पता नहीं चला, पर माना जाता है कि इसमें भी नॉर्थ कोरिया का हाथ है। आप सोच रहे होंगे नॉर्थ कोरिया ये सब क्यों कर रहा है। इसका कारण है कि यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया पर कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं। नॉर्थ कोरिया किसी भी बाहरी देश से व्यापार नहीं करता, जिसके कारण उसके पास फॉरेन रिजर्व्स ना के बराबर है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ चाइना से ट्रेड करता है, उसी से ही उनका गुजारा होता है। और आज के दिन नॉर्थ कोरिया की 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है, इसलिए अपने देश की इकोनॉमी बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया बाहर के देशों से पैसा चुरा कर अपना देश चला रहा है। कई सारे लोगों को लगता है कि नॉर्थ कोरिया एक पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ के लोगों को इंटरनेट क्या है ये भी पता नहीं होगा। पर इन साइबर फ्रॉड से पूरी दुनिया को पता चला कि हम जितना समझते हैं नॉर्थ कोरिया उतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।